मेरे गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम चैप्टर एटीन आवर हेरीटेज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स लेट एस स्टार्ट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स यानी ऐतिहासिक इमारतें जो हमारे देश की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी हमारी विरासत के रूप में हमें मिली है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स

अर्ली जो रूलर इंडिया यानी कि जो भारत पे आ, बहुत पहले जो रूल करते थे यहाँ पे उन लोगों ने बनवाया था वो हमें आज आज विरासत के रूप में हमें मिली है और दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अनबिलीवेबल देर आर मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स इन इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल सन टेम्पल एट कोरना कोरा कोनार्क द द दिलवारा टेम्पल माउंट आबू एंड द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो एंड द बिंदवेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु थाउजेंड ऑफ़ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर एंड द कुतुब मीनार जामा मस्जिद रेड फोर्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो आर्किटेक्चुरल मारवल्स वर्थ सिंह यानी कि ये सारी जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो इतने अद्भुत हैं कि उन्हें देख कर बहुत ही आश्चर्य भी होता है और बहुत ही ये खूबसूरत इमारतें भी हैं पेंटिंग्स अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐतिहासिक पेंटिंग्स के बारे में पेंटिंग्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर यानी कि पेंटिंग जो हो वो हमारे कल्चर में हमारे संस्कृति में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है बिकॉज अर्ली ह्यूमन पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स तो जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स की हुई थी जो कि दे दीवालों की थी कहीं गुफाओं पर की थी द अजंता पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र डिपाइड सेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा यानी कि वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के बारे में बहुत सारे पेंटिंग्स हमें मिलते हैं और पेंटिंग्स फ्राम द मुगल डायनेस्टी आर कलरफुल यूजली डिपिक्ट स्टोरीज मुगल रूलर्स यूज टू इन्वाइट पेंटर्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेकोरेट देयर पैलेस एंड टेम्पल्स क्योंकि जो जो बादशाह हुआ करते थे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने पैलेस यानि कि राजमहल को और मंदिरों को सजाने के लिए वर्ल्ड ओवर यानी पूरे दुनिया से बहुत ही काबिल कारीगरों को बुलाते थे दो वी ऑल हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड देर इज़ यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी यानि कि हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है डिफरेंट रीजन है उसके बावजूद भी आज भी यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में भी एकता झलकती है अपेंडिंग फ्राम केव एट एजेंता यू कैन सी इन इंडिया पीपल्स सी स्पीक मैनी लैंग्वेज इंडिया में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अलग अलग पहनावा ओढ़ावा है अलग अलग खान पान है इसके बावजूद भी भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है सो चिल्ड्रेन योर टॉपिक इज़ एंडेड एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर नाइनटीन ओके चिल्ड्रेन